मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल. गाइज गाइज गाइज, अभी बस सुबह का टाइम है. सुबह का टाइम कहाँ, दोपहर का टाइम हो गया यार. गाइज सुबह तो बस मैंने अपना जो मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं वो किए, वॉशिंग का काम था वो किया, डस्टिंग करी घर की, और ये सारे 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 काम खत्म करने के बाद धूप निकल नहीं रही थी कुछ दिन पहले. सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फॉग होती है, 10 साढ़े 10 बजे तक तो बहुत ज़्यादा रहती है. और गाइज अभी मुश्किल से थोड़ी सी धूप निकली है, तो मतलब कपड़े तो सूख नहीं रहे हैं, तो बस वो थोड़ा सा जहाँ धूप निकलती है बालकनी में वहाँ थोड़े बहुत मैं डाल रही हूँ ताकि सूख जाए. यहाँ धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है जैसे कि, है ना. और गाइज ठंड है ना, तो बस बस मैंने अभी अभी बात लेके हटी थी थोड़ी देर पहले. मैंने अभी अभी शॉवर लिया था और मैंने शैम्पू किया है. शैम्पू तो करते ही हैं ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैंने आज हेयर मास्क वगैरह लगाया था, तो बस अभी गीले हैं बाल. और मैंने यहाँ पे अपना गर्म नाइट सूट पहन लिया है. घर घर में ही रहना होता है गाइज, मैं तो इसको पहन के बाहर भी चली जाती हूँ और सबसे कम्फर्टेबल लगता है कि आराम से आपको ना स्वेटर्स पहनने की ज़रूरत पड़ती है ना जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है. बस आराम से ये पहनो और बस अपने घर के काम करते रहो, थोड़ा रेस्ट भी कर लो. अभी बस नहाने के बाद मैंने थोड़ी देर गर्म पानी पिया बैठ के, क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी. ठंडा पानी ही पीने का मन करता है लेकिन फिर ऐसा लगता है कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए. तो गाइज फिर मैं सोच रही थी आज ना मेरा साग खाने का मन कर रहा था, तो यार एक्चुअली ग्रीन्स ग्रीन्स इतना खाने का मन करता है ना, तो कई बार मुझे सैमी बोलती है यार मम्मा आप काओ. इस मजाक अपनी जगह है, काओ तो जरूरी तो ना कि काओ ही ग्रीन्स खाती है. सर्दियों के दिन है तो साग खाना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साग हो साथ में मक्की की रोटी हो साथ में चपाती भी बना सकते हैं. मक्की की रोटी बनाने में मैं इतनी परफेक्ट तरीके से नहीं बनाती हूँ, लेकिन बना लेती हूँ मोटी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बनती है बन जाती है ना गाइस. और पीछे मेरे सनफ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई लव सनफ्लावर्स यार. सनफ्लावर मेरा फेवरेट फ्लावर है. देख सकते हो आप, मैं व्लॉग बना रही हूँ और मेरा मैक्छू मुझे देख रहा है. ये सोच रहा है कि मम्मा क्या करती रहती है, तो मैक्छू किचन में बस मेरे पीछे ऐसे खड़ा रहता है और दोनों डब्बू भी अभी पार सोफे पर बैठा हुआ है. तो मैंने अभी अभी जस्ट ना ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है कटा कटाया साग, क्योंकि आजकल ब्लिंकिट की ना एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि वो ना साग पहले वो पत्ते वाला लाओ काटो. मैं तो काटती वाटती थी, बस धोती थी और बड़ा बड़ा काट के कुकर में चढ़ा देती थी, है ना. बाद में के साथ मैं उसको ब्लेंड कर लेती थी, है ना. लेकिन गाइस अब एक चीज़ बहुत अच्छी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये साग के 3 पैकेट मंगा लिए. ये 1 केजी का है, तो इसमें ना मस्टर्ड मतलब सरसों का साग, मेथी और जो बाथू होता है वो सब ये मिक्स, इसमें लिखा हो ना सरसों साग मिक्स चॉप्ड, तो इसमें सारा ही होता है ना. और ये मैंने 3 पैकेट मंगवा लिए हैं. अब इनको बस निकालूंगी और अच्छे से पानी से वॉश करूंगी, देन उसके बाद मैं इसको फटाफट से कुकर में चढ़ा दूंगी. मेरा कितना टाइम सेव होएगा ना कटा कटाया, और एकदम फ्रेश है गाइज आप देख सकते हो, है ना. और ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है अभी अभी जस्ट, और मुझे ना मैंने एक दिन पहले मंगा के देखा था थोड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. मैंने कहा नहीं यार फ्रेश भेजते हैं वो, तो मंगवा लेती हूँ, है ना. अब मेरा काटने वाला टाइम तो सेव हो गया, अब मैं इसको वॉश करूंगी देन कुकर में चढ़ाऊंगी फटाफट से. बस फिर क्या करना है, तड़का ही लगाना. मैक्छू बैठा हुआ है, वो कह रहा है खुद तो साग खा लेगी, और अब मेरे को इनको लंच देने का टाइम हो गया है, तो मैं अभी दूंगी मैक्छू को लंच. ओके. और मैंने यहाँ पे ना मूली भी मंगाई है, तो मूली के इतने बड़े बड़े पत्ते आ गए. मूली तो दिख नहीं रही, मूली अंदर ही है. ये भी एकदम फ्रेश है यार गाइस, तो मैं सोच रही हूँ आज मूली वाली परांठी के साथ हम खाएंगे साग. तो चलो बनाते हैं, पहले मैक्छू को मिलाती हूँ. से हाय. हेलो बेबी. हो हेलो बोल दिया, कान खड़े कर क्या, ओ विंक क्यों कर रहे हो, विंक क्यों कर रहे हो. देखो गाइस ये विंक कर रहा था. दूसरे वाले डब्बू से भी मिलाती हूँ मैं आपको. हाय डब्बू डार्लिंग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यू आर वेरी प्रीटी गर्ल. Oh my double so pretty. You're so beautiful. You're so beautiful. आप तो ऐसे बैठे रहते हो. देखो गाइज इसने पहने हैं वुलन क्लोथ्स, मफलर. ये मम्मा ने लिया था डब्बू के लिए ढलाजी से. और यहाँ मैक्छू को देखो गाइज, आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली है ना बाहर, तो अच्छा लग रहा है.
मतलब सुबह सुबह तो फॉग होती है, वो भी अच्छी लगती है बिकॉज आई लव फॉगी वेदर। और यहाँ डब्बू मैक्शू को मैं पूरा कंफर्ट देती हूँ, यहाँ पे मैंने हीटर चलाया होता है और मेरा मैक्शू इसमें, डब्बू मेरा इसमें ब्लैंकेट में घुस के बैठा रहता है। सुबह सुबह ये वॉकी वॉकी करके आते हैं पापा के साथ 5:30 और 6 o'clock, पापा इनको पूरा आधा घंटा फॉग में लेके जाते हैं रेडी करके, पूरा ये मस्ती मार के आते हैं, शाम को मम्मा लेके जाएगी है ना, तब तक ये अपना रेस्ट करते हैं बच्चे प्यारे मेरे। अलवंगी बुकुला का मैक शो, आर यू हंग्री आलू? हम कौन से में है, है? What the heck? मुझे पता कि कुछ पापा ने मंगाया था, पापा ने आगे थी हैं, बट वेंडी कब कहाँ खुला में। साग को वॉश करने का काम स्टार्ट कर देते हैं ताकि टाइम से साग को बॉईल कर सके हम। तो सबसे पहले मैं पैकेट में से साग निकालूंगी। यस और यार गाइस आप देख सकते हो कितना फ्रेश है ये, है ना। तो मैं तीनों पैकेट को अलग अलग करके वॉश करूँगी, एक एक पैकेट वॉश करूँगी। पहले हमें इसको एक पतीली में निकाल लेना है कि वॉशिंग का काम तो सबसे बेस्ट होना चाहिए। और ये बहुत साफ देते हैं, वैसी मिट्टी नहीं होती इस साफ से निकलती, दो या तीन पानी में आराम से क्लीन हो जाता है। तो गाइस थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो गया है और कुकर को कर देते हैं बंद, विसल बन जाएगी इसकी, फिर देखते हैं। 8 से 9 विसल्स लगानी है क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया है, वो बाद में मैं देखती हूँ। मुझे लगता है ज़्यादा भी नहीं होगा, पूरा कुकर भरा हुआ था है ना, तो विसल तो बन गई है भाई। गरम गरम कुकर में हाथ रखना बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ठंड है ना, ठंड में तो ठंडे पानी से काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, तो मैं तो ऐसे ऐसे सेक लेती हूँ। तो गाइस तड़के की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लहसुन की 5-6 कलियाँ ले ली थी
वैसे मैं लहसुन और प्याज का तड़का लगा रही हूँ, टमाटर नहीं डालूंगी। वैसे तो देखा जाए जब हम छोटे थे हमारी दादी तो प्याज भी नहीं डालती थी, प्याज तो मैं अपनी मर्जी से डाल रही हूँ और ना ही टमाटर डालती थी। एकदम देसी जो घर का साग होता है ना, जैसे वो खेत से तोड़ के लाती थी और तड़का लगाती थी, तो लहसुन का तड़का लगा के, बट मैं साग नहीं खाती थी बचपन में, पता नहीं तब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब तो यार रोज़ साग ही मिल जाए तो मैं तो रोज़ ही खाती रहूँ। बस धोने का झंझट बहुत ज़्यादा है और काटने का था, बट थैंक गॉड ब्लिंकिट ने ना मेरा सारा झंझट ख़त्म कर दिया काटने वाला, क्योंकि यार इतना ज़्यादा फाइन चॉप किया हुआ है ना, इतना तो मैं घर में कभी भी नहीं कर सकती थी। तो मतलब 3 kg साग मेरा 7 लीटर कुकर में आराम से लग गया गाइस। और आप चाहो तो रोज़ थोड़ा थोड़ा तड़का लगा के भी खा सकते हो, है ना। तो बस मैं टमाटर का तड़का नहीं लगाऊंगी, मैं सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में लगाती हूँ तड़का, तो बस प्याज और लहसुन का तड़का लगाएंगे हम लोग। किचन में काम करते करते मैंने अपने बाल क्लचर से टाई कर लिए थे, मैंने बांध लिए थे बाल, क्योंकि यार अभी गीले थे बाल वैसे भी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं खाने वाने में ना गिर जाए। तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ बाल हमेशा बांध के करती हूँ। और यहाँ पे ना अभी लंच आफ्टरनून का टाइम था, लंच तो मैं ज़्यादा मतलब कभी कभी करती हूँ कभी नहीं करती, वैसे मैं लंच नहीं करती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं सैलेड या फ्रूट वगैरह कुछ खा लेती हूँ, वो भी मन करे तो। ये तो अभी क्या था कि मैं यहाँ पे वेज रैप था, सुबह क्या हुआ कि मेरे जो हबी है ना वो बड़ी क्यूट क्यूट हरकतें करते हैं कभी कभी जब सैमी की हॉलीडे होती है, तो वो ना उसके लिए बर्गर या कुछ भी बाहर से तरह का ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें खा लेनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो फिर वो था कि सुबह सुबह सैमी सोई होती है और वो ऑर्डर कर देते हैं और घर पे आते हैं मुझे पता ही नहीं होता, तो वो मेरे लिए भी कर देते हैं। क्योंकि मैंने उनको बोला हुआ है कि यार मेरे लिए मत ऑर्डर किया करो बाहर का, मैं कभी कभार खाऊंगी, क्योंकि मेरे को बाहर का खाने का कम ही मन करता है यार गाइस। कभी घर पे वगैरह आ जाती है या कभी उनके साथ जाना पड़ता है, तभी तो खाना पड़ता है ना, है ना। तो उसमें इतना ज़्यादा होता है, फिर वीक के एंड में भी आप घर पे कुछ नहीं बनाते हो, मंगा ही लेते हो बाहर से कुछ ना कुछ, तो फिर मेरे को ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करो बाहर का। बट अभी थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि चलो मेरे लिए उन्होंने पनीर रैप मंगाया था, तो मैंने भी माइक्रोवेव में गर्म किया। सैमी ने तो चिकन बर्गर खाया क्योंकि उसको चिकन बर्गर अच्छा लगता है, तो मैंने नॉनवेज कम ही कर दिया यार, बहुत ज़्यादा कम खा लेती हूँ बट बहुत रेयर। अब तो मेरे लिए उन्होंने वेज रैप ऑर्डर किया तो मैं खा लेती हूँ अभी। गाइस साग हो रहा है अभी बॉयल, और मैं मैक्सू के साथ बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए, और मेरे कानों में लग रही थी ठंड, कैप पहनने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर यार वॉश करने के बाद हेयर ना कैप पहन लो ना तो फिर उसके बाद फिर ऐसे उठने शुरू हो जाते हैं और फिर गंदे से लगते हैं मेरे को, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार नहा मतलब हेड वॉश करना विंटर्स में कितना टफ टास्क लगता है ना। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ये वाली हुडी की ही कैप वेयर कर ली है ऐसे। तो अभी मैं बस थोड़ी देर टीवी देख रही थी बैठ के, अभी दिन का टाइम है, सैमी को मैंने बोला स्टडी कर लो तो वो थोड़ा पढ़ रही थी अपना एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं गाइस उसके। तो अभी वो बालकनी में बैठी है, थोड़ी सी धूप निकली है, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी धूप निकली है तो वो वहाँ बैठ गई है। और बस मैं फटाफट से साग को लगाऊंगी तड़का, चाय पीने का मन कर रहा था यार गाइस, सुबह भी पी थी अदरक वाली चाय या कॉफ़ी पी लूँ और फिर मैंने ग्रीन टी भी पी थी थोड़ी देर पहले,
यार मेरे को ना ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। पता नहीं क्यों मेरा तो, जब मैं फ्री बैठी होंगी यार गर्म पानी पीऊंगी, मतलब कुछ इस तरह का करते रहने का मन करता है। शाम के टाइम में एक दिन कॉफ़ी पी ली, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। लेकिन मैंने अब सोचा है शाम के टाइम में कभी कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, मैं दिन को पी लिया करूँगी ऐसे थोड़ी, वो भी हाफ कप, है ना, क्योंकि क्रेविंग होती है ना विंटर्स में इस तरह की चीज़ें, कर लेता है बंदा। तो फिर बस गाइज, तब तक मैं सोच रही हूँ बना ही लेती हूँ मैं अपनी कॉफ़ी, साथ में देख लेती हूँ थोड़ी देर टीवी, और उसके बाद फिर किचन में घुस जाऊँ। तो बॉयल हो चुका है अच्छे से, ये बहुत अच्छे से बॉयल हो गया गाइस। इसमें मैंने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन पहले डाल दी थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर मतलब कि मक्की का आटा भी डाल दिया था गाइस। तो साग की थिकनेस तो अच्छी लग रही है। अब इसको थोड़ा सा देसी तरीके से घोट लेते हैं, घोट लाइक करछी के साथ ही हम ऐसे ऐसे घुमा लेंगे थोड़ा सा दबा के। तो भाई जो अदरक के पीसेस है ना वो तो इसमें घुटेंगे नहीं, घुटेंगे नहीं यार, कुछ भी बोली जा रही हूँ, मतलब इसको अच्छे से हिला लेंगे, ऐसे मिक्स कर लेंगे, है ना। साग का वैसे एक ऑथेंटिक जो तरीका है, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, मैंने बहुत से लोगों को, अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, घर में यही सब करते देखा है, तो वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। पर गाइस मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, तो मेरे अंदर सच में इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं इतना टाइम लगाऊं। तो मेरे पास तो ग्राइंडर पड़ा हुआ है गाइस, तो मैं उससे इसको ग्राइंड करूँगी ताकि फटाफट से मैं तड़का लगा सकूँ। पहले थोड़ा सा मैंने मक्की का आटा इसमें और डाला है गाइस, क्योंकि मक्की का आटा डालने से मतलब जो कंसिस्टेंसी है ना साग की थिकनेस, वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, और फिर ज़्यादा पतला साग अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। पानी मैंने बोला था मेरे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ गया था, बट अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं इसका पानी अलग कर सकूँ, क्योंकि ये साग के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो थोड़ा सा मैंने आटा डाल दिया है, अब चलो इसको ना ग्राइंड करते हैं। इस मेरे पास जो ये ब्लेंडर है, ये है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर, और इसी की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। स्विच ऑन करना तो भूल गई। चलो गाइस मेरी ब्लेंडिंग स्टार्ट हो गई है, अब इसका क्रीमी पेस्ट बनाना है। हो गया साग, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, मेरे को इतनी ही अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगती है और ज़्यादा ग्रेवी वाली, क्योंकि जो साग है ना वो अभी तड़का लगेगा, फिर तड़का लगने के बाद फिर इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, और साग खुद में ही फ्लेवरफुल होता है यार गाइस, इसका खुद का टेस्ट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और बस चलो फिर तड़का लगाते हैं फटाफट से, और इसका ना पता नहीं स्मोकी सा टेस्ट आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा ऐसे फिंगर से टच किया था, सॉल्ट की सॉल्ट डालने की ज़रूरत है कि नहीं। Thank you.
सो गाइस बस इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं, है ना। और आज तो बल्कि मैंने फुल डे का व्लॉग नहीं किया, क्योंकि जो ये साग बनाने वाला टास्क है ना, ये तो यार मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी चलो जैसा भी होता है बना ही लेती हूँ ये, मतलब साग। पहले मुझे बनाने नहीं आता था कि इसको कैसे बनाते हैं, लेकिन अब मैंने सीख लिया है, ठीक है। अब पता नहीं, अपने आप को तो टेस्टी ही लगता है कि हाँ ठीक है, जो जो प्रोसेस यूज़ होता है इसको बनाने के लिए, कि हाँ जी कैसे इसमें क्या चीज़ डलती है क्या नहीं डलती, तो मैंने उस तरीके से तो इसको बना दिया और खाने में बहुत टेस्टी बना था। मतलब टेस्टी ही बना था यार, क्योंकि साग का तो अपना ही एक टेस्ट होता है और देसी घी डाल के तो बहुत टेस्ट अच्छा आ रहा था। और साथ में मैंने यहाँ पे एक मूली वाली परांठी बना ली थी, और ये जो साथ में एक और रोटी रखी हुई है ये बाजरे की रोटी है, और इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी जोमेटो से, क्योंकि ये कह रहे थे कि मुझे चपाती वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं बाजरे वाली रोटी मंगा लेता हूँ। तो बाजरे की रोटी के साथ सरसों का साग, साथ में गलगल का अचार और मूली वाली परांठी। तो सर्दियों के दिन है तो गाइस और क्या चाहिए, इस चीज़ को खाने में ना गरम गरम ही मज़ा आता है, और सर्दियों में खासकर गरम गरम खाना खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। और मैं तो एकदम उबलता हुआ खाना खाती हूँ, पता नहीं बहुत सारे लोग जो हैं खाना थोड़ा वार्म खाते हैं, थोड़ा ठंडा करके भी खाते हैं, बट मेरे को खाना बिल्कुल गर्म चाहिए होता है। चाहे गर्मियाँ भी होती हैं, गर्मियों में मुझे खाना एकदम गर्म गर्म चाहिए होता है। तो आई होप गाइस आपको मेरा ये प्यारा सा क्यूट सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छे अच्छे वीडियोस दूंगी। मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जो चैनल में नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं मोटिवेट होती हूँ। जब मुझे कोई सब्सक्राइब करता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि मेरे एफर्ट को अप्रिसिएशन मिला है, ठीक है। सो गाइस बस मैंने सोचा कि यहाँ पर टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना है। साथ में ये सूखी लाल मिर्च का तो एक अलग ही मज़ा आ रहा था, और जो ये तड़के में मिर्च डलती है ना, ये तो बहुत टेस्टी लगती है साग में। तो चलो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से प्यार से क्यूट से वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।